रात को क्या करे? आप लोग अंदर क्यों चले आए? पूरा फर्श गंदा कर दिया। देखो मैं नहीं साफ करने वाली हूँ, बता। आपने ठंडाई पी, बहुत अच्छी थी। अनुपमा क्या हो गया है तुझे बेटा? हा? आपको क्या हो गया पाप बेटा? मम्मी आप इधर आइए। किंजू बेबी इधर इधर तो बैठिए। मम्मी बैठ। मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। अरे मम्मी स्टॉप इट, व्हाट आर यू डूइंग? नो अंग्रेजी। व्हाट अनुपमा, व्हाट अनुपमा। बा भी झूला झूलती है ने, तो मैं भी झूला झूलूंगी। बा सास से तो मैं भी सासू। मामा जी का बोलना और सास का झूला दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। पैसा जब से मैं शादी करके इस घर में आई तब से बा मुझे इसी झूले पे बैठ के दूरबीन से देखती रही, देखती रही और डांटती रही, देखती रही डांटती रही, देखती रही डांटती रही। जब जब देखा तब तब डांटा। मैं बा के पैर छूने आती थी ना तब भी बा झूला नहीं रोकती थी। हो बा झूले पे से आगे पीछे आगे पीछे और मैं पैर छूने के लिए आगे पीछे। संभालो अनुपमा, क्या कर रही? वो तो बापू जी झूला रोकते थे तब जाके मैं पैर छू पाती थी। बोलो पर तब भी बा मुझे आशीर्वाद नहीं देती थी। क्यों देगी, क्यों देगी आशीर्वाद? मैं तो बा को पसंद ही नहीं थी। बा बनो समझ बा आशीर्वाद तो दे ही सकती थी ना बा। बा अपनी सास से नाराज थी और गुस्सा निकाल दिया अपनी बहू पे। ऐसा क्यों नहीं होता कि दुनिया की हर बहू अपनी सास को माँ समझे और सास अपनी बहू को बेटी? जिस दिन ऐसा हुआ ने बा उस दिन हर घर में सास बहू का झगड़ा खत्म और टीवी सीरियल बंद। फिर बा क्या देखेगी? मैंने हमेशा आपको माँ माना है, आज भी मानती हूँ। आपने मुझे कभी बेटी नहीं माना। बेटी तो क्या, मुझे आपने बहू मानने के लिए भी साल लगा दी। बा को अपने बेटे के लिए एक सुंदर पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी और आ गई है तिपले बिलने वाली अनुपमा। मैं सुंदर नहीं थी, मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी, पर मैं बहुत अच्छी बहू थी बा। मैं बहुत अच्छी बहू, पर आपने ये मानने में सालों लगा दिए। अभी आप मुझसे प्यार करती हैं, पर क्या फायदा बा, क्या फायदा? वो साल तो निकल गए ने।
बता चुका हूँ, जब आप मुझे ताना देते थे ना, बुरा बुरा बोलती थी, तो मैं चुप चुप के जाके रोती थी। मैंने इस घर में कितने सारे तकिए अपने आंसुओं से भिगो दिए, आपको आपको नहीं पता। I love you, ba. आपको टी है, मीठी है, और जैसी भी है मेरी है, मेरी बा, मेरी माँ। ए बा, आपको याद है जिस दिन डोली बहन की विदाई हुई थी, आप कितना रोई थी, ऐसे फूट फूट के आंसू रुक ही नहीं रहे थे बा के। पर जिस दिन मैं जाऊंगी ना, आप उससे भी ज्यादा रोएंगी बा, मने का बच्चे। बा बा, अरे बाबा, आप तो कड़े कड़े भी झूला झूल लेती है, बोलो। अनुपमा बस। नो बस बा, आप बस, ट्रेन, टैक्सी, रिक्शा, आप आइए बा, आराम से झूले पे बैठिए, आप बैठिए, मैं आपको झूला दूँ। हालूलूलूलू, हाँ, बापूजी। एक शिकायत मुझे आपसे भी, जिस तरह अब आप मेरा साथ देते हैं ना, तो क्यों नहीं दिया? ओ? मने को बर्चे, आपको घर में शांति चाहिए थी एकदम, और बापूजी गलत होते हुए देख के चुप रहना शांति नहीं होती, सन्नाटा होता है। शादी के बाद जब बा ने मेरी पढ़ाई रोक दी थी, तब आपने कुछ क्यों नहीं कहा, मेरा साथ क्यों नहीं दिया? तब कहा होता ने बापूजी, तो आज मैं अनपढ़, गवार, अनुपमा नहीं कहलाती। आपको याद है, आपको याद है जब राखी बहन पहली बार इस घर में आई थी, तो मैं वजह से क्या हुआ, इस घर में बहू नहीं, बहू के नाम पे नौकरानी चाहिए, बिल्कुल अनुपमा जैसी। अगर पढ़ी लिखी होती तो दोस्तों की शादी में कोई झंझट, झमेला, रुकावट, अड़चन कुछ नहीं होता, शांति से शादी हो जाती बापूजी। राखी बहन को मुझे समदान कहने में शर्म नहीं आती, अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो। मुझे माफ कर दे बेटे, मुझे माफ कर दे, तू पढ़ना चाहती थी पर तुम्हारे सास और तुम्हारा पति नहीं चाहते थे कि तू पढ़े। मुझे माफ कर दे बेटी, कि मैंने उनसे लड़ के झगड़ के तेरी मदद नहीं की, मैंने नहीं तुझे पढ़ने दिया, और फिर कम पढ़ी लिखी है ऐसा कह के तुझे ही दोष दिया। हम सब तेरे दोषी हैं बेटी, हम सब तेरे दोषी। नहीं बापूजी, I love you। अगर मैं पढ़ी लिखी होती ने, तो मैं एकदम स्मार्ट होती, हाई फाई होती, किसी बड़े से ऑफिस में बड़ी सी नौकरी कर रही होती, काव्या की तरह। किंजल, राखी बहन की तरह ऐसे पट 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 अंग्रेजी बोलती,
फिर मैं सबको बा को इनको सबको पसंद आती बापूजी। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो काश बापूजी, काश मैं ज्यादा पढ़ पाती। स्वीटूडी हरी बेबली, तुम तीनों मेरी जान हो। तुम लोग मेरी बात मानो ना मानो, मेरी बात सुनो ना सुनो, मैं तुम तीनों से बहुत 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 प्यार करती हूँ। बच्चों के पास तो रूठने का अधिकार होता है, माँ के पास तो वो भी नहीं होता। माँ तो बस प्यार कर सकती है और कुछ नहीं। तुम तीनों में मेरी जान बसती है। सबको लगता है समर मेरा लाडला है, पर ये गलत है। सोच कहूं मैं समर की लाडली हूं, वो मुझे समझता है, मुझे समझाता है, मेरी हर बात सुनता है, मेरी हर बात मानता है। बस वो शिवरात्रि वाले दिन नहीं मानी थी हो, पर अब उसने मुझसे वादा किया है मेरी हर बात मानेगा। मेरा बकुड़ा समर। जब भी मैं वी के रूम में जाती हूँ, कभी बाद धमकती है तो कभी पाखी, और आज आज तो हद ही हो गई। मेरे और वी के रूम में, हमारे रूम में अनुपमा घुस गई। हाउ डेयर शी। ये सब मुझे और वी को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं और करते रहेंगे, मगर मैं भी काव्या हूँ। वी का डिवोर्स फाइनल होते ही मैं वी से शादी कर लूंगी, ताकि किसी को भी कुछ भी बोलने का मौका ना मिले। कोई जिए या मरे, आई डोंट केयर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।